محمد و آل محمد صلوات بار دیگر صلوات بر محمد و آل محمد بابا زی بلند صلوات بر محمد و آل محمد عظمت پیغمبر اسلام اور عظمت سرکار سبط اکبر امام حسن کو یاد کر کے بلند ترین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد اسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنا شانئك هو الأبتر صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم عزاداران سرکار رسالت مآب ماتم داران سرکار سبط حسن سبط اکبر شہزادہ سبز قبا حسن مجتبی آپ تمام حضرات حسب سابق آج 28 صفر کے اس اہم ترین اجتماع میں پاکستان کے گوشے گوشے سے ماشاءاللہ حاضر ہو کر اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں یہ تاحد نظر مومنین و مومنات کا موجے مارتا ہوا سمندر یہ تا حد نظر ماتم داران خانوادہ زہرا اس امر کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سجا ہوا دربار بغیر کسی وارث کے نہیں ہے اس دربار کا کوئی وارث موجود ہے لاوارث دربار الٹ جاتے ہیں بڑی توجہ لاوارث دربار الٹ جاتے ہیں
लावारिस तख्त व ताज पलट जाते हैं, लावारिस हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, लावारिस सल्तनतें तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और लावारिस कहते किसे हैं? लावारिस उस बद नस्ल को कहते हैं जो सूरह कौसर की वारिस को लावारिस कहे। पता नहीं क्या सुन रहे हो जुमले पर, तवज्जो। ना ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से, बहुत बातें कर रहे हैं मुझे आपसे, पूरी ताकत से। मौला सलामत रखे। लावारिस इस जुमले के पूरे पस मंजर में आप जाएं, पूरा तारीख का पस मंजर है इस एक जुमले में। लावारिस उसे कहते हैं जो सूरह कौसर की वारिस को, तो समझें ये मोमिनात के लिए भी जुमला है। लावारिस उसे कहते हैं जो सूरह कौसर की वारिस को लावारिस कहकर अपने दरबार से महरूम पलटा दे, वो खुद लावारिस होता है। और उसके लावारिस होने की दलील यह है कि उसका दरबार भी उलट गया, उसकी हुकूमत भी खत्म हो गई, उसके लगाए हुए पौधों की जड़ें भी उखड़ गईं, वो खुद भी जमीन का ईंधन बन गया। लेकिन जिस फातिमा को लावारिस कहा गया था, उसके वारिसों का दरबार कल भी कायम था, आज भी कायम है। नारा हैदरी, जबान के साथ दिल बोला, नारा हैदरी। माला सलामत रखे। इतनी बड़े सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस है इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। कयामत, बहुत तवज्जो, खुदा के फजल से ये सारी कायनात में सिर्फ हम शिया कह सकते हैं कि खुदा के फजल से अपना इमाम जिंदा है। कयामत उनकी है जिनका कोई इमाम नहीं। हाय हाय हाय, या अली या अली या अली। दोस्तों पूरी खुदा के फजल से जियो, खुदा के फजल से अपना इमाम जिंदा है। कयामत उनकी है जिनका कोई इमाम नहीं। तवज्जो है ना, हमारा वारिस मौजूद है। हम जितने बैठे हैं ये लाखों की तादाद में, खुदा चश्मे बद से आपको महफूज रखे, हम सब वारिस वाले हैं, लावारिस नहीं है। तवज्जो है ना इज़ान मुहतरम, लावारिस नहीं है। हमारा वारिस कोई मुफ्ती नहीं है, हमारा वारिस कोई हाजी नहीं है, हमारा वारिस कोई काजी नहीं है, हमारा वारिस कोई काजी नहीं है, हमारा वारिस कोई हाकिम नहीं है, हमारा वारिस कोई हुकुमरान नहीं है, हमारा वारिस कोई सुल्तान नहीं है, हमारा वारिस अबू सुफियान नहीं है, हमारा वारिस मरवान नहीं है, हमारा वारिस माविया नहीं है, हमारा वारिस यजीद नहीं है, हमारा वारिस मरवान बिन अल हकम नहीं है, हमारा वारिस हिशाम बिन मरवान नहीं है, हमारा वारिस मंसूर तवानखी नहीं है, हमारा वारिस हारून अब्बासी नहीं है, हमारा वारिस मामून अब्बासी नहीं है, हमारा वारिस मेहदी अब्बासी नहीं है, हमारा वारिस हादी अब्बासी नहीं है, हमारा वारिस मुतवक्किल नहीं है, हमारा वारिस अमीन अब्बासी नहीं है, हमारा वारिस कल भी अली था, आज भी अली है। अब रहता हूं बेटे, अब रहता हूं। हमारा मौला आपको सलामत रखे, हमारा वारिस जिंदा है, हमारा वारिस कल भी अली था। मैंने जुमला बेरब्त नहीं कहा है, हमारा वारिस कल भी अली था, हमारा वारिस आज भी अली है। फर्क यह है कि वो पहला अली था, ये आखिरी अली है।
और अगर दोनों अली में मुमासलत देखना चाहते हो तो आसमानों पे जाके नारा लगाना है, हमारा वारिस कल भी अली था, हमारा वारिस आज भी अली है। कल का वारिस पहला अली था, आज का वारिस आखिरी अली है। पहला अली भी काबे में पैदा नहीं हुआ था, काबे से ज़हूर किया था। आखिरी अली भी काबे में पैदा नहीं होगा, काबे से अरे माला अरे माला अरे माला अरे माला अरे माला अरे माला नारा हैदरी। हमारा वारिस मौजूद है, हमारा वारिस कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। हम लावारिस नहीं हुआ करते इसलिए कि हम मरते नहीं हैं। बताओ, हम मरते नहीं हैं, हम इंतकाल करते हैं, और इंतकाल कर जाएं तो वारिस छोड़ जाते हैं। कल भी मोहसिन नकवी इसी स्टेज पर मौजूद था, आज भी अकील की सूरत में। आय हाय 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 अली, ये सत्य है। नारा है ये वारिस मौजूद होता है। और अगर किसी को यकीन नहीं आता, अभी आपने देखा ना कि वारिस था तो वारिस ने अपनी विरासत का और अपने खून की शराफत का ऐलान किया ना कि गोलियों की जद पर मोहसिन को रखने वालों कयामत तक तरसते रहोगे, मोहसिन मर नहीं सकेगा। हाय 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 हाय, तवज्जो है ना मोहसिन। आज हम बेटा उठ बेटा अकील, उठ बेटा अकील। मोहसिन का कोई खूबसूरत सा मुझे चार मिसरे सुना, उसके बाद मैं तकरीर करूंगा। अरे मेरा बेटा, उठ मेरा बेटा, देख मोहसिन नकवी के कातिलों पे लानत। जियो, सुनो चार मिसरे। जमान ऐसे अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बायस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बायस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की आके बस पहचान लो मोहसिन, वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। ले 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 ले, मेरा बेटा। ला ला ला, वो मरते हैं, मोहसिन कह गया था वो मरते हैं, अली मौला वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। और मेरे बेटे अखिल, ये भी मोहसिन ही ने कभी कहा था जब कोई हादसा हुआ था हवाओं में, फजाओं में, खलाओं में, जिस अली दुश्मन को फजाओं और हवाओं में निगल लिया था, उस वक्त मोहसिन ने मुझे चार मुहर्रम को टेलीफोन करके कराची में बताया था, इरफान भाई पर जस्ता शेर आया है कि अली से बुग्ज रखते हो तो इतना सोच भी लेना। ना 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 ना, आप मेरी सारी तकरीर पे दाद ना दें, मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन मोहसिन नकवी की इस शेर पर मैं अपनी पूरी तकरीर भाई जाफर अली मीर को मौला सलामत रखे, इनके वालिद मजीद के इशारे समाज के लिए मजलिस है, दर्जात उनके भी बुलंद होंगे मीर मदद अली के, और ये नारा मुझे पहुंचाना मोहसिन नकवी तक है जो यही मौजूद है। अली से बुग्ज रखते हो तो इतना सोच भी लेना, तुम्हारी शक्ल मरते वक्त पहचानी न जाएगी। नारा हैदरी। पूरी ताकत से शेराना नारा आएगा ये, हाँ मेरी जान। ना ना, ऐसे ऐसे जियो, आखिरी आदमी रख, दोनों हाथ बुलंद कर।
हर इतनी बड़ा सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। हम लावारिस नहीं है, जुमला जहन में रहे। सूरह कौसर मेरा उनवान गुफ्तगू है, मैं मुसलसल 3 दिन शबे चेलूम तक यहाँ गुफ्तगू करके गया हूँ और वादा करके गया था कि इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। 28 अवर की इस तारीख मजलिस में पूरे मुल्क का मजमा, सिंध से, सरहद से, बलोचिस्तान से, पंजाब से, कराची से, हर हर जगह से अजान मोहतरम यहाँ मोमिनीन मोमिनात बड़ी तादाद में आए हुए हैं। जाफर के, मेरे, मोहसिन के, मुश्तर का दोस्त अजीज अहबाब सारे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं पूरी ताकत और तवानाई से ये जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ। इसको उनवान समझ लें, बुनियाद समझ लें, रेफरेंडम समझ लें, मेरी कौम का मैनिफेस्टो समझ लें, मेरी कौम का दस्तूर समझ लें, मेरी कौम का कानून समझ लें, मेरी कौम का आईन समझ लें, मेरी कौम का तर्ज अमल समझ लें, मेरी कौम का मिजाज समझ लें, मेरी कौम के खून की शराफत समझ। हाय हाय हाय, हम लावारिस नहीं है, हमारा पहला भी वारिस था, हमारा आखिरी भी वारिस है, पहला भी अली था। जुमले पर गौर करें, पहला भी अली था, आखिरी भी अली है, पहला भी काबे में पैदा नहीं हुआ था। बड़ा अजीब जुमला है ये, पहला अली भी काबे में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए कि जहां पैदाइश है वहां आलाइश है। समझे जुमले को, जहां पैदाइश है वहां आलाइश है, जहां आलाइश है वहां गंदगी है, जहां गंदगी है वहां रिज्स है, जहां रिज्स है वहां इबादत नहीं है। आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने तो बहुत बड़ा जुमला कहा है दर मोहतरम। जहां रिज्स है आपने गौर किया, जहां नजासत है रिज्स है वहां इबादत नहीं है, वहां इबादत है ही नहीं। टकरे मारते रहो जब रिज्स है तो इबादत कैसी, कयाम करते रहो जब रिज्स है तो इबादत कैसी। मक्के मदीने के चक्कर लगाते रहो जब रिज्स है तो इबादत कैसी। रेगिस्तानों में गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते रहो जब निजासत है तो इबादत कैसी। अब आप मुझसे सवाल करें ना कि साहब रिज्स कैसे है, गुस्ल भी किया, पाक भी हुए, वजू भी किया, किबला रुख भी हुए, नियत भी की, सूरह हम की तिलावत भी की, कयाम भी किया, कऊद भी किया, सुबहान रब्बी अल अजीम भी कहा, सुबहान रब्बी अल आला भी कहा, कुल हुवल्लाह भी पढ़ी, सब कुछ तो किया, उसके बाद भी इबादत क्यों नहीं है भाई। इबादत के लिए, इबादत के लिए नजासत का दूर होना जरूरी है। जब तक नजासत दूर नहीं होगी उस वक्त तक इबादत नहीं होगी, इबादत हो ही नहीं सकती। जिस्म की तहारत का नाम, जिस्म की तहारत का नाम पाकीजगी नहीं है, नफ्स की तहारत का नाम पाकीजगी है। और याद रखिए कि आबे जमजम जिस्म को पाक कर सकता है, नफ्स को पाक नहीं कर सकता, नफ्स को पाक नहीं कर सकता। आबे जमजम से भी अगर किसी काफिर और मुशरिक को आप गुस्ल देकर ले आएंगे वो नापाक रहेगा, मुख काफिर रहेगा, वो नजिस रहेगा। तो मैं कुरान से पूछूं, पालने वाले फिर पाक कैसे होंगे, पाक होने का तरीका क्या है। तो आयत ऐलान करेगी सूरह मुबारक के अजाब में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर-रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हमने मरकज़े तहारत अहले बैत के और फातिमा के दरवाजे को बनाया है। बस में रिसालत में बैठने वाला जरूरी नहीं है कि पाक भी हो, लेकिन दरे बतूल पर जो आ गया वो सलमान बनता है। पैमाना देखे ना साईं, मौला सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी खूबसूरत तवज्जो पर। मरकज़े तहारत है दरे फातिमा, बज़्मे रिसालत मरकज़े तहारत नहीं है। देखो मैं इतना बड़ा जुमला इतने बड़े मजमे में कह रहा हूं तो कोई जिम्मेदारी तो होगी ना मेरी। वली
मौला सलामत रखे, मेरे मौला का जाकिर सखर से आया है। तो जो है ना, एक जुमले पर आप गौर फरमाए, मेरा बेटा है, मोहसिन का भी बेटा था, इस जुमले पर एक तवज्जो फरमा रहे आप इस जुमले पर ऐजान मोहतरम, कि अगर इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि तहारत दरे बतूल पर है, बज़्मे रसूल में नहीं है, जरूरी नहीं है कि बज़्मे, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, कि बज़्मे रिसालत में बैठने वाला जरूरी नहीं है कि पाक भी हो। अगर बज़्मे रसूल में बैठने वाला हर शख्स पाक है तो यह सूरह मुनाफिकून किसके लिए आया? तवज्जो 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 जुमले पर। अच्छा, मैं इस तारीखी मजमे में चैलेंज करके ये जुमला कह रहा हूं, और अहलिया ने लाहौर की जितनी मोहब्बतें आप मुझसे करते हैं, सारी मोहब्बतों का तोहफा आपको लौटा रहा हूं इस अहम मजलिस में अपने मौजू पर आने के लिए। मैं ये बात पूरे एतमाद के साथ सारे कुरान पढ़ने वालों को चैलेंज करके ये कहता हूं कि अगर बज़्मे रिसालत में बैठने वाला हर शख्स पाक है तो सूरह मुनाफिकून किसके लिए आया? अगर बस में रिसालत में बैठने वाला हर शख्स ताहिर है, तैयब है, तो फिर वमिना नासे मै यकूलू आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनी युकादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू। मेरे हबीब, ये जो तेरी बज़्म में आकर बैठते हैं, तवज्जो करना, तवज्जो करना, तवज्जो करना, तवज्जो करना दोस्तों, जरा सा आयत के तर्जुमे पर, बड़े सुकून से आयत का तर्जुमा करूंगा ताकि एक नतीजा आपकी खिदमत में व्यक्त कर दूं। वमिन नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह, मेरे हबीब, ये जो लोग तेरी बज़्म में आकर बैठते हैं और आकर कहते हैं, बज़्म में आकर बैठते हैं, तेरी बज़्म में, मेरे हबीब, ये जो तेरी बज़्म में आकर बैठते हैं और आकर कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम यौम आखरत पर ईमान लाए, खबरदार रहना, वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है, युकादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये तो धोखेबाज हैं जो आकर अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं और मोमिनों को भी धोखा दे रहे हैं। हाय हाय हाय, कुरान है भाई, कुरान, बड़ी तवज्जो। अब जरा सा इस जुमले पर आप तवज्जो, इस तमहीद पर, ताकि मैं सूरह कौसर की इख्तितामी वजाहतें आपकी खिदमत में पेश करके बारगाह हसन में भी आता हूं, बारगाह मुस्तफा में भी आता हूं। तवज्जो है ना इज़ान मोहतरम, इसलिए कि ये शरफ हम ही को हासिल है, हम ही को हासिल है। आज कायनात पाकिस्तान में सबसे बड़ा दिन है कि कायनात के रसूल की वफात का दिन भी है, सिपहे अकबर की शहादत का दिन भी है। फैसले आज ही कर लो, काफिर कौन है, मुसलमान कौन है। आए हाय या अली, अरे गौर ही नहीं किया, गौर ही नहीं किया, अरे मैं तो बहुत बड़ा अभी नहीं, अभी आपने जुमले को मैं समझा नहीं सका, मैं फिर से वजाहत करता हूं। फैसले आज करो ना ये मोची दरवाजे के, तारीखी इस्तमा को देखकर मौला शिया के लाखों की तादाद में मोमिनीन और मोमिनात आए हैं, किसके लिए? रसूल के लिए, हसन के लिए। तो आज तो रसूल की वफात का दिन है, तो आज तो सबसे बड़ा दिन होना चाहिए था मुसलमानों के लिए। कुर्सी इख्तदार के लिए एहतजाज बनाते हो, कुर्सी इख्तदार के लिए धरना देकर बैठते हो। हम धरना देकर नहीं बैठे, हम सफे मातम बिठाकर बैठे। नारा हैदरी, हैदरी से लेकर जाओ। हाय हाय हाय, अली या अली, तवज्जो करें जुमले पर, मौला आपको सलामत रखे। एक एक लफ्ज पर मैं अहम तरीन कुछ गुजारिशात इंशाल्लाह मौला ने अगर चाहा और मदद फरमाई और आपने तवज्जो की, कुछ खूबसूरत बातें आपकी खिदमत में मैं आज करूंगा। जान मोहतरम, आज किसका दिन है? वफाते रसूल का। क्या ख्याल है मिल्लत इस्लामिया का, रसूल का आना ज्यादा वजह मुसर्रत था या इस नेमत का हमसे छिन जाना ज्यादा वजह गम है? देखिए, मैं रोक कर एक जुमला कह रहा हूं, और ये सवाल है सिर्फ इल्मी सवाल। कायनात का रसूल हमसे रुखसत हुआ है तो आज तो आलम इस्लाम को सोग मनाना चाहिए था ना। अपने चार गिरते पड़ते बेवजू मर जाएं, पता नहीं, पता नहीं गौर कर रहे हो या नहीं,
पूरी तारीख उलट दूंगा इसी जुमले में अगर गौर फरमाया आपने 1400 बरस की तारीख को आज 28 सफर की 1417 हिजरी की तारीख पर लाकर अगर मुंतबिक न किया तो मिंबर से भी की नहीं मांगी। अपने गिरते पड़ते सियासी जलसों में दो चार मर जाए तो उनके लिए जो में एहतजाज भी मनाते हो, जो में शोक भी मनाते हो, काजी जी दुबले भी होते हैं। आज तो कायनात का रसूल गया है, चलो हसन की बात ना मानो, हसन की शहादत ना मनाओ, इसलिए कि हसन की शहादत तुम मना नहीं सकते, इसलिए कि हसन का कातिल माविया है और जाहिर है कि तुम नस्ले माविया हो। आए 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 आए। फैसले लो, फैसले लो, तारीख के याद क्या आए हो तुम? सलामत रहो। दोनों हाथ बुलंद करके अलीम बोला, अलीम बोला, अलीम बोला, अलीम बोला, अलीम बोला, अलीम बोला, जबान के साथ दिल बोला, अलीम, अलीम की बादशाही है। अब सुनो, मैंने कहा था ना दूसरा शेर सुनाऊंगा 28 को, अब जो समझ जाए ये दूसरा शेर, वो फिर गुंजाए जो साल भर तक गूंजते रहे ये नारे, अली की बादशाही है। सलामत अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। अली की बादशाही है, अगर मैं ये साबित ना करूं मुझे मिंबर से उतरने ना देना। इस मिसरे को अगर साबित ना करूं कुरान की आयत से, नहीं है किसी की बादशाही कायनात में, अली की बादशाही है। क्यों? इसलिए कि अली इसमें इलाही है, हर एक मीजान में तोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारा हैदर अली। इतनी बुलंद सलवात भी भेज देना मोहम्मद आले मोहम्मद। अली की बादशाही है, अली की बादशाही है, खुदा की कसम अली की बादशाही है, कुरान की कसम अली की बादशाही है, मुस्तफा की कसम अली की बादशाही है, आसमान और जमीन के तकद्दुस की कसम अली की बादशाही है, अल्लाहु मलिकुल कुद्दुसुल मुबीन की कसम अली की बादशाही है, वादाउल्ला शरीक की कसम अली की बादशाही है, तौरात और ज़बूर और इंजील की कसम अली की बादशाही है, आदम से लेकर ईसा तक के अंबिया की कसम अली की बादशाही है। अली की बादशाही है, देखना चाहते हो एक झलक अली की बादशाही, बादशाही की एक झलक बता तो हम भी नहीं सकते कायनात में कि कहां तक है अली की बादशाही, लेकिन एक झलक बता देता हूं। अब आप पर छोड़ता हूं उसके बाद कि आप अगले बरस के इस वक्त तक इस जुमले को याद रखेंगे, अली की बादशाही कैसे है। अजान मोहतरम, कुरान से साबित है अली की बादशाही, इन्नमा वलीयकुम अल्लाह व रसूलहु वल लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है जो हालत रुकू में जकात देता है। ये बच्चों ने सवाल किया कि साहब हम पर लोग एतराज करते हैं कि ये तुम शिया लोग जकात नहीं देते, मेरी जान इन्हें क्या पता कि हम जकात देते हैं, हम अगर जकात देते हैं तो उस वक्त देते हैं कि कम से कम कुरान की आयत तो नाजिल हो, जो है ना हाय 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 याली याली नारा हैदर। दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी आदमी तक हैदर। एक सवाल का जवाब देखो, तारीखी नारा, हमसे सवाल करते हो कि हम ज़कात नहीं देते, हम ज़कात देते हैं तो कम से कम आयत नाजिल होती है कुरान की,
ऐसी बेखबर ज़कात नहीं देते कि रात को सोए सुबह को कट गई। तवज्जो 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 तवज्जो, न नीयत है न इरादा है न नीयत। ऐसी बेखबर ज़कात हम नहीं देते कि रात को सोए सुबह कट गई, न नीयत न इरादा। तवज्जो है। और एक जुमला कह दूं दोस्तों, ज़कात नहीं, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। हम ज़कात देते हैं लेकिन हुकूमत को न देना इस बात का ऐलान है कि हम किसी भी जालिम को ज़कात नहीं देते। और जब तक आदिल हुकूमत कायम नहीं होगी उस वक्त तक हम ज़कात नहीं देंगे। और ये कोई हमारा पाकिस्तान बनने के बाद का तरीका नहीं है, हमने तो वफात रसूल के फौरन बाद खुदा के जुमला सुनोगे, खुदा के लिए इस जुमले पे गौर कर लो, हमने तो वफात पैगंबर के फौरन बाद ज़कात बंद कर दी थी, हुकूमत को नहीं दी थी, नहीं दी थी ज़कात, नहीं देंगे तुम्हें ज़कात। जिन्हें मुनकरीन ने ज़कात कहकर कत्ल किया, 750 सहाबा इकराम को कत्ल किया है 2.5 रुपए के एवज, एहतराम सहाबा का बिल हमसे मंजूर करवाते हो, 750 सहाबा को कत्ल तुम करते हो। तवज्जो 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 तवज्जो, जाली जाली जुमले पर फरमाए ना, कौन सी, देखें पूरे अलहम से लेकर बन्नास तक कुरान मजीद की कौन सी आयत है जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो ज़कात नहीं देता वो वाजिबुल कत्ल है। बहुत बड़ा सवाल किया सर, बहुत बड़ा सवाल किया है मैंने। एंड आई नो द मीनिंग्स एंड बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या इसका पस मंजर है। पूरे कुरान मजीद में एक आयत बताओ जिसमें ज़कात न देने वाला वाजिबुल कत्ल है। और जब कोई आयत मौजूद नहीं है तो ये 750 सहाबा इकराम को जो कत्ल किया, ये इसका खून किसकी गर्दन पर है। तवज्जो है ना, बेशर्मो तुम्हें भी हक है एहतराम सहाबा के लश्कर बनाने का, तुम्हें भी हक है कि तुम सिपाह और लश्कर बनाओ, तुम तो खुद कातिल हो सहाबा इकराम के। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शिया तारीख हमारी गवाह है, हमने किसी सहाबी को कत्ल नहीं किया, किसी सहाबी को कत्ल नहीं किया, किसी सहाबी को हमने कत्ल, बहुत तवज्जो, हमने किसी सहाबी को कत्ल नहीं किया, हमने तो सहाबी को अपने सर का ताज बनाकर सलमान कहा, अबू जर कहा, कंबर कहा, मीसम कहा, मिर्दाद कहा, हुज़ैफ़ा या नारा हैदरी। सलामत रखे या अली, मदद कहने वालों को। आप इस मैयार पर हैं तो मुझे फिर ये जुमला, ऐजान मोहतरम, आज की तारीख, अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा वली, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता है। अल्लाह वली, रसूल वली, और जो हालत रुकू में ज़कात देता है। मैं नाम नहीं लेता, बहरहाल वो वली है, अल्लाह की तरह वली है वो। जियो जियो, कमर पकल पुल सुभान अल्लाह, नारा भी ऐसा ही आना चाहिए। अली मौला नारा हैदरी। इतनी बार सलावत वलीउल्लाह पर,
مولانا سلامت اللہ کی طرح ولی ہے وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. میں نام نہیں لیتا, تم بتا دو. چلو وہ نہیں ہے اگر جسے میں مان رہا ہوں, تو پھر وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکات بھی دی, اس کی نماز بھی قائم رہی, اس پر آیت بھی آئی, اسے ولایت بھی ملی. اگر وہ نہیں ہے جو میرا ہے, تو جو تیرا ہے وہ بتا دے. یا ان جملوں کو سمجھے خدا کے لیے, یہ خوبصورت جملے ہوتے ہیں, ان کی قدر کرے. پھر وہ کون ہے اگر وہ میرا نہیں ہے, تو پھر جو تیرا ہے اس کا نام بتا. میں تو اجازت دے رہا ہوں, مگر بتا کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو حالت رکوع میں زکات بھی دے, نماز بھی قائم رہے, آیت بھی آئے, ولایت بھی ملے. توجہ. اور مجھے نہیں پتا, جیو سلامت رہو. جملے پر اب غور کر لینا, علی کی بادشاہی سمجھا رہا ہوں. میں نے نہیں کہا نہ میں نے نام لیا ہے. تمہارے فلسفے کا امام امام محی الدین غزالی. پورا حوالہ دے رہا ہوں, جملے پہ غور کرنا. ذرا سا یہ علمی مرحلہ ہے, تھوڑا سا آپ کو بیدار ہونا پڑے گا نتیجے کے لیے, چونکہ ثابت کریں گے قرآن سے علی کی بادشاہی کی حدود. امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو سائل در مسجد پر آیا تھا سوال کرنے, He was not a professional beggar. یہ کوئی پیشاور فقیر نہیں تھا. سچی بات کہہ دی, علی والے پیشاور ہوتے ہی نہیں ہیں. توجہ ہے نا ادھر. آئے ہائے ہائے, علی والے پیشاور فقیر نہیں ہوتے. آج اس دروازے پر, کل اس دروازے پر, پرسو اس دروازے پر, علی والے کل بھی یہی تھے, آج بھی یہی ہیں, صبح محشر میں بھی اسی دروازے پر نظر آئیں گے. تو امام غزالی کہتے ہیں یہ کوئی پیشاور فقیر نہیں تھا, یہ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا. جملہ سنیں, پورا حوالہ میرے ذمے, پورا ریفرنس امام غزالی کا ہمارے ذمے. یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں, پوری توجہ میں آپ کی چاہوں گا. پانچ سات منٹ تک یہ تھوڑی سی بحث ہے, نتیجہ اس کا پھر انشاءاللہ نجف تک جا کر آپ کی زبان سے نکلا ہوا نعرہ اگر نجف کی دہلیز کو چوم کر نہ جائے, تو پھر محسن نقوی کی نظر یہ جملہ کرنے کا فائدہ کیا ہے. میں اپنے شہید بھائی کی نظر کروں گا یہ جملہ, بھائی جعفر علی میر کی اور ان کے بھائیوں کی اجازت سے. لیکن پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. اگر امام غزالی کہتے ہیں کہ سائل فرشتہ تھا, آ کر آواز دی, باتیں آپ کا سنا ہوا ہے, علی نے اشارہ کیا, انگوٹھی نکال کر لے گیا. بات بھی اب سمجھ میں آئی, فرشتہ ہی ہوگا, ورنہ علی تو باجماعت نماز پڑھ رہے تھے. اگر عام فقیر ہوتا تو در مسجد پر تھا, علی صف اول میں تھے, پیچھے پیچھے بڑے بڑے قداور نمازی کھڑے تھے. حالت رکوع میں اس نے سب سے آگے کھڑے ہوئے علی کی انگلی کے اشارے کو دیکھ کیسے لیا. مسجدوں کی اتنی صفے کراس کر کے کیسے آ گیا؟ اس نے حالت رکوع میں انگلی کے اشارے کو دیکھا کیسے؟ یقیناً فرشتہ ہی ہوگا. توجہ. اب میں یہاں پھر روک کر یہ بات میں کہتا ہوں, یہاں تک تو امام غزالی نے کہا. میرے زمانے میں امام غزالی ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے یہاں تک تو کہہ دیا, آخر اللہ سے اپنے یہ بھی تو پوچھے کہ یہ فرشتے کو ضرورت کیا پڑی تھی نماز کے بعد آ جاتا. اول تو ایسی انگوٹھی کی ضرورت کیا تھی کہ حالت رکوع ہی میں لے جانا چاہتا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا اللہ کی جانب سے کہ میں نے اپنے فرشتے کو علی کے دروازے پر اپنے گھر پر, توجہ, اپنے گھر پر یعنی مسجد میں اپنے فرشتے کو انگوٹھی لینے کے لیے سائل بنا کر اس لیے بھیجا کہ ہر دور کے مفتیوں اور قاضیوں کے فتووں کو دراوی اور چناب کے پانی میں غرق کرنے کے لیے سیان حیدر کرنا
सरदार तैयार रहे और कयामत तक ये कुरानी शरीयत बने कि घर भी मेरा, फरिश्ता भी मेरा, नमाज भी मेरी, कयाम भी मेरा, कऊद भी मेरा, मलक भी मेरा, सवाल भी मुझसे, सवाल मुझसे होगा, मेरे घर पे होगा, मगर पूरा अली के हाथों से होगा। आय हाय हाय अली यार, क्या सुन रहे हो? मिलकर मिलकर हैदरी। नहीं 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 नहीं, मेरी जान को रिजवान बना देते हैं। जिया 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 हुवली, जिया मेरी जान, बना देते हैं सलमान। क्यों पीछे हाकिम से कहो इनसे सखावत के चलन, आहा इनसे सखावत के चलन, सुलेमान बना दे। अली की बादशाही है, हैदर सलामत रहो। मौला सलामत रखे, बेशक गाजी खुद मदद को आएगा। लोग गाजी की मदद जिसे लेना, सुपर पावर जा रहा है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली 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 मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारा हैदरी। बलंद तरीन सलवाए मोहम्मद आलम। यार किस नूर पर मजलिस है, अब इस नूर पर है तो मुझे ये जुमला नूरुल अला नूर की मंजिल पर जामे कौसर की तरह आपके दिलों में उंडेलने को जी चाहता है। मौला आपको सलामत रखे, नजरे बद से महफूज रखे, आपके इन तारीखी इस्तेमात को अजान मोहतरम इस जुमले पर जरा सी तवज्जो फरमा ले। बुजुर्गों से दुआएं लूंगा, नौजवानों से जज्बे ले रहा हूं। मौला इनकी जवानियों को सलामत रखे, इनकी माओ के कलेजों को ठंडा रखे। इमाम गजाली कहते हैं कि ये फरिश्ता जो अंगूठी लेने आया था, इसे जो अली ने अंगूठी दी है, ये अंगूठी कोई आम अंगूठी नहीं थी, ये अंगूठी वो थी जो सुलेमान नबी की उंगली में थी, और इस अंगूठी से सुलेमान अपना सारा निजाम हुकूमत चलाते थे। अब अली की बादशाही को समझते रहना जरा। सोचना सोचना, खुदा के लिए सोचना, मैं कोई खुदावत नहीं डाल रहा इसमें। इमाम गजाली कहते हैं कि ये जनाबे सुलेमान नबी की अंगूठी थी, और इस अंगूठी के ताकत पर सुलेमान ने हवा को भी मुसखर किया था, जिनों को भी मुसखर किया था, चरंद और परंद को भी मुसखर किया था, बसाते फिजा पर तख्त भी लगाते थे, सारी कायनात उनके तसर्रुफ में भी थी इस अंगूठी की बिना पर। और जब जनाबे सुलेमान का इंतकाल हुआ है तो जिब्रील अमीन सुलेमान के हाथों से यह अंगूठी निकाल कर ले गए थे। अब जुमला सुनना, अजीब इंकशाफ हो रहा है। तायुन जिसके जहन में अली की बादशाही का आज आ जाए, मैं समझूंगा मेरे भाइयों की कि ये बर्पा की हुई पूरी मजलिस और आपका ये आना कबूल होगा मौला की बारगाह में। जुमले पर आप गौर फरमा ले, ये पूरी तवज्जो सुलेमान नबी जिस अंगूठी से पूरा निजाम हुकूमत चलाते थे। जब जनाबे सुलेमान नबी का इंतकाल हुआ, उनकी रूह कब्ज की गई, तो वो अपने महल का मुआयना फरमा रहे थे, असाथी हाथ में, और ये कहकर गए थे, खबरदार नोबडी इज अलाउड टू एंटर बिहाइंड अस। बादशाह थे ना, बादशाह थे ना, सुल्तान थे ना, खबरदार हम अकेले अपने महल का मुआयना करेंगे, कोई हमारे पीछे ना आए। अब जब नबी ये कह देना कि कोई हमारे पीछे ना आए, तो फिर किसी का नबी के पीछे पीछे जाना बदतमीजी है। हाय 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 अली अली, नारा हैदरी। ये है खूबसूरती, ये है खूबसूरती समाज।
हाँ जी हम मेरी जान शेखो पूरे नारा है जी बेटा जी जी یا علی مدد کہنے والوں کو بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ کا آپ کی پوری آمادگی کا جناب سلیمان معائنہ فرما رہے ہیں اپنے محل کا گھبرائے تو نہیں تھکے تو نہیں علی کی بادشاہی بتا دوں معائنہ فرما رہے ہیں کہہ کر گئے خبردار کوئی ہمارے پیچھے داخل نہ ہو بس ابھی چند قدم کھڑے ہو کر عصا کے سہارے اپنے محل سرا کا جو نیا نیا جنوں اور انسانوں نے مل کر بنایا تھا ہیکل سلیمانی اس کا ابھی معائنہ ہی فرما رہے تھے کہ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی مزاج لطافت سلطانیوں سلیمانی پر شکن آ گئی پلٹ کر دیکھا کون ہے جب ہم نے منع کیا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے کہنے والے نے کہا کہ سرکار اسی لیے تو آیا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی نہ آئے بس یہی کہنا تو مجھے یہاں تک لے آیا ہے کہا کون ہو کہا وہ ہوں جسے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اب جملہ سنو جان متوالی کی بادشاہی وہ ہوں جسے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا کہا انت ملک الموت نبی ہے نا پہچانے کیا تو ہی ملک الموت ہے کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا اسی لیے ہے اس لیے کہ کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے آپ نے کیسے کہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے تو میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ایک ایسا ہے جسے کسی دربار اور گھر میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہا ملک الموت کیا چاہتے ہو کہا روح قبض کرنا چاہتا ہوں کہا اتنی مہلت دو گے کہ محل کا معائنہ کر لوں کہا نو کہا اتنی مہلت دو گے کہ اپنی عصا اٹھا کر دیوار سے لگا کر رکھ دوں کہا نہیں دونوں میرے دوست علی کی بادشاہی اگر سمجھنا ہے کہا اتنی مہلت دو گے کہ میں محل کا معائنہ تو کر لوں اتنی شوق سے میں نے بنوایا ہے کہا نہیں کہا اچھا اتنا ٹائم دے دو کہ یہ میں اپنی عصا اٹھا کر رکھ دوں کہا نہیں کہا یہ اتنا بڑا نظام حکومت اچانک میرے مرنے کے بعد کیسے چلے گا جن چرن پرن ویش تیور مر یہ سارے میرے قبضے قدرت میں ہیں اتنی بڑی سلطنت کا نظام کہا عام رہ چکا آپ اسی طرح عصا کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑے رہیں ہم روح قبض کر لیں گے اور آپ کے کلمہ پڑھنے والے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ نبی مر گیا یا نہیں آپ اسی طرح کھڑے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ کا جانشین پورا نظام حکومت نہ سنبھال لے آپ اسی طرح سے کھڑے آپ نے غور ہی نہیں کیا پورا نظام حکومت نہ سنبھال لے کہا کہ پھر میری موت کا پتا کیسے چلے گا کہ آہستہ آہستہ اللہ دیمک کو حکم دے گا کہ دیمک آپ کی عصا کو لگے گی عصا آہستہ آہستہ چاٹتی جائے گی لیکن دیمک صرف عصا تک پہنچے گی جس میں نبی کو نہیں ٹچ کر سکتی جب وہ عصا ٹوٹ کے گرے گی آپ نیچے گریں گے آپ کی موت کا اعلان ہوگا آپ نے غور ہی نہیں کیا یعنی قرآن نے تصدیق کر دی اور علماء نے تفسیر نے علماء تفسیر نے متفقہ طور پر طے کر دیا کہ قرآن مجید کی روح سے معصوم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ معصوم مرنے کے بعد بھی اپنا نظام حکومت کھڑے کھڑے عصا کے سہارے چلاتا رہتا ہے اور مرنے کے بعد معصوم کے جسم کو دیمک نہیں لگتی بلکہ عصا تک اثر پہنچتا ہے تو اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں سلیمان کے ایسے نبی کا جسم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا تو پھر محمد مصطفیٰ کا جسم آئے ہائے 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 یا علی یا علی یا علی سوچو سوچو جو بیٹا
مولا آپ کو سلامت رکھے بہت شکر گزار ہوں لیکن علی کی بادشاہی کو ایک جملے میں آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ وہ یہ کہ جب یہ ہوا یہ واقعات پھر کسی وقت بحث کروں گا جناب سلیمان کے ہاتھ سے جبریل وہ انگوٹھی اتار کر لے گئے اور امانتاً اپنے پاس اس لیے رکھی کہ روح الامین تھے پھر کسی نبی کو یہ انگوٹھی دی نہیں توجہ کرو دوستو پھر کسی نبی کو یہ انگوٹھی دی نہیں جب سرکار رسالت باپ مبوس پر رسالت ہوئے ہیں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا آپ کو سلامت رکھے بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ پر جب سرکار مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں تو جبریل امین سلیمان کی یہ انگوٹھی اللہ کی طرف سے محمد کو تحفے میں دے گئے اور محمد نے اپنی طرف سے یہ انگوٹھی علی کو تحفے میں دے دی علی نے یہ ملک سلیمان جس سے چلتا تھا ابھی بھی میں اگر علی کی بادشاہی نہیں سمجھا سکا تو پھر مجھے حق نہیں ہے علی کے فضائل پڑھنے کا آپ آسمانوں پہ جا کر علی کی بادشاہی کا اقرار کریں گے انشاءاللہ ابھی دیکھیں مجھے اگلا جملہ کہنے دیں سلیمان کے ہاتھ سے جبریل نے لی جبریل نے امانت میں رکھی امام غزالی کہہ رہے ہیں جبریل نے لا کر محمد رسول اللہ کو تحفے میں دی محمد رسول اللہ نے یہ انگشتر سلیمانی جو یاقوت سرخ کی تھی یہ علی کو تحفے میں دی علی کو تحفے میں دی کون سی انگوٹھی جو ملک سلیمان کی مالک تھی سارا نظام سلطنت سلیمانی جس انگوٹھی پر چلتا تھا علی نے وہ انگوٹھی زکات میں دی ہے زکات میں نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے ٹھہرو 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 آئے گا تاریخی نعرہ میں تو کہہ رہا تھا نا معجزہ نہ ہوا تو پھر فائدہ کیا ہے اس علی کے منبر کے صدقہ کا علی نے یہ انگوٹھی زکات میں دی ہے خیرات میں نہیں خدا کے لیے سمجھو علی نے یہ انگوٹھی زکات میں دی ہے قرآن کی آیت ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات زکات علی نے یہ ملک سلیمان جس سے چلتا تھا یہ انگوٹھی علی نے زکات میں دی ہے خیرات میں نہیں خیرات میں سارا مال دے دیا جاتا ہے زکات میں 2.5% دیا جاتا ہے توجہ کرو توجہ کرو یعنی یہ سلیمان کی ساری سلطنت علی کی بادشاہی کی زکات ہے علی 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 اب آسمانوں پر جا کر دونوں ہاتھ بلند کر کے جس کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں حیدری ارے مارا ارے مارا ارے مارا ارے مارا ارے مارا تاریخ میں اور لو میں اس راز سے بھی پردہ اٹھائے دے رہا ہوں نہیں بہت خوبصورت نعرہ پیچھے سے آیا ہے سب مل کر جواب دے نہیں اب تاریخی نعرہ میرا بھائی لگائے گا شیر صاحب حیدری نعرہ جو لگتا ہے شیرانہ نعرہ انشاءاللہ پورے دونوں ہاتھ بلند کر کے موچی دروازے کی تاریخ کا آج کا تاریخی سب سے بڑا نعرہ پورے کلیجے کی طاقت صرف کرو سلامت رہے منافقین لرز پڑے سنبھل نہ پائے گر پڑے
कि ये किसकी माँ का लाल है जो कह रहा है अली 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 नारा हैदरी और फैसले लो मेरी जान दरिया बह रहे सलावत भेजे बाबा ने बरा और मैंने बहुत तवज्जो 14 मुहर्रम को बदर ब्लॉक से लेकर मॉडल टाउन और गुलबर्ग और मोची दरवाजे की इन सारी मजलिसों में जो 25-30 मजलिसें मैंने पढ़ी हैं, मैंने ये अली मौला के नारे को मैंने वादा किया था कि मैं ये बताऊंगा ये अली मौला जो हम कह रहे हैं ये आखिर है क्या। दोस्तों पूरी तवज्जो, इमाम शाफई कहते हैं कि ये अली मौला ये इंसानों का नारा नहीं है। वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, पर्दा उठा रहा हूं, इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। तवज्जो दोस्तों, बीबी बैठा बेटा बैठा इधर बताओ बात तवज्जो, बीबी बैठा उधर, वमा खलक्तुन जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तवज्जो है, हमने नहीं खल्क किया, आपको तोहफा दे रहा हूं, मैंने वादा किया था, इसका पस मंजर बता के दो जुमलों में नतीजा देता हूं। जिन और इंस को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। पैगंबर इस्लाम वाकई आपका सुना हुआ, इमाम शाफई ने एक जुमला कहा है, ये इस जुमले पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। एक मकाम पर पैगंबर इस्लाम ठहरे, रुके, कयाम किया, सहरा में खेमा जन हुए, सहाबा इकराम को भेजा, बीरुल अलम का वो मकाम था, सहाबा इकराम गए कुएं पर पानी लेने, गए आग के शोले देखे, मखलूक नजर नहीं आई, पैगंबर की खेमे में वापस आ गए, वापस आ गए, सरकार आग के शोले निकल रहे हैं, हमारा डोल वापस फेंक दिया गया है, पर तबस्समा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मुस्कुराए पैगंबर इस्लाम, नजर आला वजह अली यबना अबी तालिब, अली मौला, नारा हैदरी। अभी मैंने बिल्कुल इसलिए आहिस्ता रखा है कि मैं इस चेहरे से नकाब उठा रहा हूं, फिर उसके बाद जो अली मौला कर विरद करेंगे ना आप, चूंकि समझ जाएंगे कि आखिर इसका पस मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड। आज पहली मरतबा अपनी 26 साल की जिंदगी में खतीबाना, पहली मरतबा आज मैं अपने यहां की इस जाती खुसूसी हमारी अपनी मजलिस होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं मौला सलामत रखे मेरे भाई को जाफर अमीर को, इनके भाइयों को, इनके बच्चों को, इनकी बेटी को, मौला सलामत रखे मेरी बेटी को और बेटे को और इनके आयजा और अहबाब को, भतीजों को, भांजों को, दोस्तों को, अहबाब को जो दूर दराज से यहां आए हुए हैं, एक एक की तवज्जो मैं सबकी चाहता हूं। अजीजो इमाम शाफई कहते हैं अफत तबसबा, मुस्कुराए पैगंबर इस्लाम, देखा अली की तरफ, गए अली कुएं पे पानी लेने के लिए, डाला डोल, वाकया सुना हुआ है ना, डोल डाला, जिन्होंने वापस फेंक दिया, अली ने फिर डोल डाला, फिर वापस फेंक दिया, तीसरी मरतबा अली ने कहा ख्याल रखना कोई और नहीं आया, अबू तालिब का बेटा अली पानी लेने आया है, और अब अगर डोल वापस आया तो डोल के सतह आपसे बुलंद होने से पहले अली तुमसे खुद आकर मुलाकात कर लेगा। थर, थर, मैं खुद रोक रहा हूं आपके जज्बात के समंदर को, थोड़ी देर के लिए कोई नारा नहीं, उसके बाद दरिया बहेंगे इंशाल्लाह। तीसरी मरतबा सतह आपसे, इमाम शाफई का जुमला कह रहा हूं, एक एक रेफरेंस का मैं जिम्मेदार हूं जब इतने बड़े वजह में बात कर रहा हूं, पूरी तवज्जो, डोल डाला सते आपसे शरारती जिनों ने, यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाज, जब फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हुए थे लोग, तो उसमें वो भी तो दाखिल हो गए थे कि जो युवस्वसु फी सुदूर नास मिनल जिन्नत, अब जरा जुमले पर आप तवज्जो फरमाते जाएं, जाने मोहतरम ये दुआएं कि मैंने किसी पस मंजर में पढ़ी है, इधर सते आपसे शैतानी जिन्होंने डोल को बुलंद किया, उधर अबू तालिब का शरीफ खून, इताअत रसूल की दस्तार सर पे रख के ज़ुल्फ़िकार म्यान से खींचकर कुएं के अंदर कूदा, अब तलवार चल रही है, चीखों की आवाजें आ रही हैं, सहाबाए किराम परेशान हैं, कुछ दौड़े दौड़े खिदमत पैगंबर में जाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह अली तो कुएं में कूद गए, तलवार भी नजर आ रही है,
अली भी नजर आ रहा है, अली का चेहरा भी नजर आ रहा है, लेकिन किस पर तलवार चल रही है वो शक्लें नजर नहीं आ रही, वो शक्लें नजर नहीं आ रही। इमाम शाफई कहते हैं सिर्फ दो सहाबियों ने मकाम चाह नहीं छोड़ा, यही लफ्ज है, कुएं का मकाम सिर्फ दो सहाबियों ने नहीं छोड़ा, बाकी सब अली को अकेला छोड़कर नबी के खेमे में खैरियत से वापस आ गए। वो दो सहाबी एक सलमान था एक अबू सर था, जो इत्मीनान से अपने मौला की जंग देख रहा था। अली ने 10,000 जिनों को कत्ल किया, अभी तक तो चीखों की आवाज थी, क्या अबू दर गफारी को ये लकब जो पैगंबर इस्लाम ने दिया, क्या अबू सर से ज्यादा सच्चे इंसान पर आसमान ने साया नहीं किया। अबू सर बयान करते हैं, इमाम शाफई ने बयान किया कि अबू सर की रिवायत यह है कि अभी तक तो जिनों की चीखने की आवाजें आ रही थी, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि कुएं से अली की नारे तकबीर की आवाज बुलंद हुई और बाकी थोड़े ही अरसे में खामोशी छा गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा अली ने फिर नारे तकबीर बुलंद किया, कुएं में और खामोशी छा गई, फिर मैंने देखा कुएं में फिर खामोशी छा गई। अली ने नारे तकबीर इस हंकार से बुलंद किया कि कुएं में हजारों जिनों ने बयक वक्त मिलकर ना अल्लाह अकबर का नारा लगाया ना या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, बल्कि जिनों ने कहा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली नारा हैदरी। पूरी ताकत से अली की बादशाही देख ली आपने दूसरे मरहले में, यानी मैं ऐलान कर रहा हूं 28 सितंबर 1417 हिजरी के इस तारीखी इज्तिमा में लाखों के मजमे में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐलान कर रहा हूं कि कायनात अज़रूए कुरान जिनों से खाली नहीं है, इसलिए कि जिनों का तस्करा 5 मकामात पर कुरान में मौजूद है। तो हर एक मुसलमान का ईमान है कि जिन कोई ख्याली मखलूक नहीं है, जिन मैंने पूरा अशरा मुहर्रम का इस उन्वान पर कराची में पढ़ा है, अज़ान मोहतरम किसी वक्त में तफसील अर्ज करूंगा, लेकिन एक जुमला सुन ले, यह तय है कि कायनात में कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां जिन मौजूद ना हो। तो जिस तरह इंसानों पर अल्लाह और मोहम्मद की शरीयत वाजिब है, इसी तरह जिनों पर भी शरीयत वाजिब है। जैसे हमें मसले पूछने पड़ते हैं, ऐसे मसले जिनों को भी पूछने पड़ते हैं। तो काजी साहब चांद नजर आया या नहीं, ये तो आप हमें बता देंगे। अगर कोई जिन आकर आपसे पूछने लगे कि कल रोजा रखूं या ईद मनाऊं, सारा धरना भी भूल जाओगे, मरना भी। कोई है, कोई है, कोई है, और ऐलान सुने जो मैं ऐलान कर रहा हूं, और इस ऐलान को यहां से लेकर जाना अपने अपने घरों को मौला के साए में, गाजी अब्बास के परचम के साए में, इंशाल्लाह खैर वाफियत से साल भर दुश्मनों की नजरें पद से महफूज रहोगे। ये जुमला सुन के जाओ कि याद रखो, मुसलमानों में 72-73 फिरके हैं, लेकिन जिनों में कोई फिरका नहीं है। या तो जिन काफिर हैं या जिन शिया हैं। क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? ओ, बहुत बड़ी बात कही है मैंने। या तो जिन काफिर हैं, जो शयातीन हैं, जो शैतान के चेले हैं, या तो वो जिन हैं, या वो जिन हैं जो पूरा कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह अली वलीउल्लाह। इसीलिए कायनात में इमामुल इंस वल जिन्ना सिर्फ अली का नाम है और किसी का नाम नहीं है। तो अब जो तुम कहोगे, खुदा की कसम अली की कसम, तुम्हारी आवाज से जिनों की आवाज मिल जाएगी। नजर तक पहुंचाओ, अली मौला अली अली अली
अली मौला नारा हैदरी। मौला सलामत रखे याली मदद कहने वालों को, मौला सलामत रखे। इस उरूज पर आ गए हो तो अली की बादशाही का एक जुमला, अली की बादशाही का वारिस हसन। सुनो सूरह कौसर की अमली तफसीर, हसन रसूल को अबतर के तानों से बचाने वाला हसन, जो हिजरत के तीसरे साल 15 रमजान को कुरान की तरह रहले आगोश फातिमा में नाजिल हुआ। अरे सलावात भेज देना, इससे बड़ा कितना। कहा ना मैं पूरी मजलिस नजर कर रहा हूं, मीर मदद अली और मोहसिन नकवी शहीद दोनों की, दोनों दोस्त एक मेरा बुजुर्ग है एक मेरा शहीद भाई है, दोनों की नजर कर रहा हूं। तो फिर मोहसिन के एक कते का एक लफ्ज बदलकर, चूंकि ये मुझे इख्तियार मोहसिन की जिंदगी में भी था, मैं उसके बहुत से मिसरों के लफ्ज बदल दिया करता था, लेकिन कयामत का कता है अगर सुन सको, आज तक शायद मैंने भी इस मजलिस में नहीं सुनाया होगा और मोहसिन ने भी नहीं सुनाया होगा, लेकिन जुमला सुनो, अगर चौथे मिसरे पर जो रिस्क लेने आया है दस्तरखान हसन से, जो सेहत लेने आया है दस्तरखान हसन से, जो औलाद लेने आई है माए बहने दस्तरखान हसन से, जो अपने बच्चों को जेलों से छुड़ाने आई है माए बहने दस्तरखान हसन से, जो कैदियों की रिहाई के लिए आई है दस्तरखान हसन से, जो वसत रिस्क लेने आई है दस्तरखान शहनशाह कौनो मका से, जो मालिक कौनो मका के लाल अली की बादशाही के वारिस हसन के दरबार में बैठे हो, यहां से वहां तक ये चारों मिसरे सुनो, जो लिखना चाहो वो लिख लो, कि इसके बाद इस मिसरे को फिर इस अंदाज में कोई नहीं पढ़ेगा। हसन मौला बेटे खोल दे जितनी आवाज है। जन्नतुल बकी के दरबार तक पहुंचाऊंगा ये मिसरा, ये मुझसे नकवी का चौथा मिसरा है। सुन मेरा बेटा अकील असद मेरे लाल, मौला तुम्हें सलामत रखे, तू अपने बाप का नाम रोशन करेगा। कौन कहता है मोहसिन मर गया, मोहसिन जिंदा है। जुमला सुनो, हसन मौला कराची के मकासदे में भाई जाफर अली मीर भी थे, बूथराब इमाम बारगाह आदिदाबाद में कुल पाकिस्तान में मशायरा हुआ था, उसमें मोहसिन का यह कसीदा था। बड़े बड़े शोरा ने, जिसमें कतील शिबाई और हिमायत अली शायर जैसे थे, अपने कसीदे फाड़ दिए थे। राग मुरादाबादी ने यह कहा था कि इसके बाद बस, यानी गवाहूं वीडियो मेरे पास मौजूद है। दुनिया को पता क्या है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है, दुनिया को नहीं पता रहा कि हम खोखले हो चुके हैं, दुनिया को क्या पता कि रूह तो जाफर अली मीर की निकल चुकी है, है क्या? हसन मौला लो जी सर, रिस्क चाहिए, कोई दुआ नहीं करूंगा इसके बाद, सारी दुआएं चार मिसरों में हैं। हसन मौला मेरा जी चाहता है कि मैं सारी रात ये लफ्ज कहता रहूं और कहीं कोई रंग ऐसा आ जाए जैसे मोहसिन कहता था, और अगर ये रंग नहीं आ रहा तो तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? हसन मौला
मौला तुम्हें सलामत रखे, मेरी माओ बहनों तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, तुम्हारे सुहाग को सलामत रखे, तुम्हारी गोदियां आबाद रखे, तुम्हारे नौनिहालों को सलामत रखे, तुम्हारे सुहाग सलामत रखे, तुम्हें रिस्क दे, जो बच्चियां बीमार हैं उन्हें सुमरा के सदके में सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये मजलिस बड़ी मोजजे की मंजिल पर पहुंच गई है। हसन मौला हवादिस जब अंदाजे बिगड़ पाए आपको नारा पहुंचाना है, और ये इस तकरीर का, इस मजलिस का आखिरी नारा होगा। जरा से अपने जज्बात पे कंट्रोल करके, मुझे पता है कि आंसू नहीं रोक सकते, पढ़ूंगा मसाइल। हसन मौला हवादिस जब अंदाजे बिगड़ आए, तेरी बख्शिश के सामा आंख से दिल में उतर आए। मेरे मौला हसन, जब मुझे हादसों ने घेरा तो तेरी बख्शिश, तेरी रहमत, तेरे करम के सामान मेरी आंखों से मेरे दिल में आ गए। हसन मौला हवादिस जब अंदाजे बिगड़ आए, तेरी बख्शिश के सामा आंख से, मेरा बेटा ये शेर तूने भी नहीं सुना होगा, सुन अखिल। तेरी बख्शिश के सामा आंख से, मोहसिन के जितने दोस्त भाई जाफर अली मीर के घर में बैठे मौला, इन्हें सबको सलामत रखे, सबकी नजर कर रहा हूं, सबकी आवाजें हैं, मैं भी आखिर इंसान हूं, मेरे भी दिल का टुकड़ा गया है, मैं भी अपने जज्बात काबू करके पढ़ रहा हूं ना, तो तुम भी ये चौथा मिसरा अपने दोस्त की नजर कर लो। तेरी बख्शिश के सामा आंख से दिल में उतर आए, तलाशे रिज्क, ओ मेरी माँ बहनों, तलाशे रिज्क की खातिर जो सुए आसमां देखा, सितारे तेरे दस्तरखान के टुकड़े नजर आए। नारा हैदरी, नहीं 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 नहीं, अपने कलेजों में अली की विलायत को मां के मुकद्दस दूध की अमानत समझकर, मोहसिन नकवी के जज्बातों एहसासात की तर्जमानी करके 28 सवर 1417 हिजरी का इमाम हसन की बारगाह में उनके बाबा अली की बादशाही का तारीखी नारा जिब्रील के परों पर रखकर इस मोहल्ला शिया से पहुंचाओ दोनों हाथ बुलंद करके, नारा हैदरी। इतनी बलंद सलवार भेज दो मोहम्मद आलम, तेरी बख्शिश के सामान आंख से दिल में उतर आए, मौला तलाशे रिज़्क़ की खातिर जो सुए आसमां देखा, सितारे तेरे दस्तरखान के टुकड़े नजर आए। ये हसन का दस्तरखान था, पता है हसन का दस्तरखान, सुनोगे हसन का दस्तरखान। अली को दफनाने के बाद 21 रमजान को, अली जैसे बादशाह को दफनाने के बाद जब हसन और हुसैन और अली के बेटे वापस आ रहे हैं, तो रास्ते में चंद नाबीना फकीरों को देखा, नाबीना साइल और भिखारी बैठे हुए रो रहे हैं। हसन और हुसैन आखिर अली के बेटे थे, बादशाह के बेटे थे ना, फकीरों के पास जाकर कहते, भाई तुम क्यों रो रहे हो, खाने को अगर नहीं है तो हम पेश करें, अफ्तार के लिए कुछ नहीं है तो हम पेश करें। कहा, अफ्तार के लिए तो मौजूद है, फिर क्यों रो रहे हो। कहा, रो इसलिए रहे हैं कि जब से रमजान का महीना शुरू हुआ है, एक सखी हमारे पास ऐन अफ्तार के वक्त आता था, अपने साथ बैठकर हमें रोजा इफ्तार कराता था। हम रोज लिए रहे हैं कि आज 3 दिन हो गए हैं वो आया नहीं, अल्लाह करे खैर से हो। देखो हसन की अजमत, वो आया नहीं, अल्लाह करे खैर से हो। हसन मुस्तफा मेरा मौला कहता है, तुम गम ना करो, पहले रोजा तो इफ्तार करो। कहा, नहीं वो आया नहीं तो हमने इफ्तार भी नहीं किया।
इसलिए कि वो जितने प्यार से हमें रोजा खुलवाता था, इतने प्यार से हमें फकीरों को कोई रोजा खुलवाने वाला नहीं था, आया नहीं है। हसन एक मर्तबा बेकरार होकर कहते हैं, हम बैठे हैं, हम तुम्हारे साथ अफ्तार करते हैं, हमसे कसम ले लो, हमने भी 3 रोज से रोजा अफ्तार नहीं किया। कहा, तुमने कोई अफ्तार नहीं किया क्या? वो क्या तुम्हारे पास भी वो आया करता था? एक मर्तबा हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहते भैया हसन बता क्यों नहीं देते? अरे वो मेरा बाबा अली था, हम उसके बेटे हसन हुसैन है। इब्ने मुल्जिम ने ज़र्बत मारी, वो 3 दिन से जख्मी था, हम उसे अभी दफना कर आ रहे हैं। आहा, किस अंदाज से आज मातम की इब्तिदा हुई। अदादारो, फकीरों ने जो हसन हुसैन का नाम सुना ना, टटोलते हुए हाथों से हसन हुसैन के पैर पकड़ के कहते हैं, ओ हमें कुर्बान, शहजादे आए हैं हमारे पास, शहजादे आए हैं हमारे पास, शहजादे आए हैं हमारे पास। अदादारों, एक जुमला और सुनोगे हसन के लिए? हसन कितना बड़ा बादशाह मौला है, जो चाहो आज मांग लो, मगर रोना ऐसे जैसे हसन पर रोने का आज हक है, जैसे ज़ैनब चाहती है मेरे भाई को ऐसे रो, रोना ऐसे जो मांगोगे मिल जाएगा। अदादारों, हसन के दस्तरखान का आलम यह था, सुनोगे जुमला, सुनोगे जुमला, हसन का दस्तरखान 24 घंटे में कभी लपेटा नहीं जाता था, हमेशा खुला रहता था। अनवाओ इकसाम के खाने जो अरबों को मयसर भी नहीं थे, वो मौला हसन के दस्तरखान पर होते थे। एक मर्तबा दो शायर आए, उन्होंने थोड़ा खाना खाया और कुछ आंख बचा कर चुपके चुपके अपनी जमील में हसन के दस्तरखान से थोड़ा थोड़ा खाना उठाकर छुपाकर उठने लगे। हसन कहते हैं, छुपाते क्यों हो, लेकर क्यों जा रहे हो? जितना चाहो खा लो, फिर आकर खा लेना, कभी कमी नहीं होगी, ये दस्तरखान कभी बंद नहीं होता। सुनोगे जुमला? वो दोनों फकीर हाथ जोड़ कर कहते हैं, मौला हसन हमें माफ कर देना, हमारी नीयत चोरी की नहीं है, बल्कि कूफे, बस जुमला सुन लो, कूफे में एक बादशाह रहता है जो इतना गरीब है, जो जौ की सूखी हुई रोटी पानी के, नमक के पानी से डबो कर खाता है। हम उसके लिए कुछ खाना लेकर जा रहे थे, उसने तो जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी देखा भी नहीं होगा। हसन सीने पे हाथ मार के कहते हैं, अरे वो मेरा बाबा अली है, ये सारा लंगर उसी की बादशाही है। आहा, मेरी माँ बहनों, किस तरह से मातम कर रही है। मौला तुम्हें सलामत रखे दोस्तों, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मुझे पहले एक जुमले का जवाब दे दो, मैं मसाए पढ़ूंगा। आज सूरह कौसर के ताजदार का मातम करने आए हो ना, आज रसूल अल्लाह का मातम करने आए हो ना, आज रिसालत महाब का मातम, मुझे बताओ मेरी माँ बहनों, इतनी बड़ी तादाद में वो देखो ताहद नजर। मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हारी आरज़ूएं पूरी करे। आज तुम इतनी बड़ी तादाद में आई हो क्योंकि तुम्हें पता है ना कि एक फातिमा है दो गम है। मेरा नौजवान वहां तक सर पीट रहा है, एक फातिमा जहरा है और आज ही दो गम है। एक फातिमा को बाबा का गम, किसका पुरसा लोगी बीबी? अपने उस बाप का कि जिसके मरने के बाद 3 महीने के अंदर फातिमा पे इतने मसाए पड़े कि सर के बाल सफेद हो गए। और क्या जुमले सुन रहे हो दादारो? अदादारो, रसूल अल्लाह का पुरसा दो पहले आज फातिमा को, फिर हसन का पुरसा देंगे। पहले ये जुमला सुन लो, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, मैं मजमे से पूछ रहा हूं। और मेरी माँ बहनों, तुम में 40 बरस की माँ भी होगी, 50 बरस की माँ भी होगी, 60 बरस की माँ भी होगी, जईफा माए, तुम्हारे बच्चों को मौला सलामत रखे, तुम्हारी गोदियां आबाद रखे। जो माए नहीं है, अल्लाह उन्हें रबाब के सदरे में औलाद अता करे। इतनी दुआएं देकर जुमला कह रहा हूं, बताओ फातिमा जहरा का जब नाम लेते हो तो किस जईफा का तसव्वुर ज़हन में आता है? पता है तुम्हें 50 बरस हुए ना, जईफ होते होते ये मेरी मां सर पीट रही
लिए। 50 बरस के बाद अभी भी तेरे पूरे बाल मेरी माँ सफेद नहीं है। ये देख फातिमा जहरा कितनी जल्दी ज़ईफ़ हुई। जनाबे ज़ैनब कहती है, बीबी ज़ैनब कहती है, जब मेरी माँ हक लेने दरबार में गई। मनीषा हमारा बेटा मौला सलामत रखे, हमारा अखिल बेटा बे भाई मौला तुहा रो। बीबी ज़ैनब कहती है, जब मेरी माँ हक लेने दरबार में गई, मेरी माँ की उम्र 18 बरस थी। तुमने 18 बरस की ज़ईफ़ा देखी है? समझ लो, ठहर ठहर करो, इसलिए कि कयामत तो बर्पा होना है। मौला के सदके में जुमला सुनना। बीबी ज़ैनब कहते हैं, जब मेरी माँ दरबार में गई उसकी उम्र 18 बरस की थी, और जब दरबार में गई तो मेरी माँ के बाल सफेद थे। दरबार में 4 घंटे खड़े होकर जब रसूल की बतूल बेटी महरूम वापस पलटी, तो बीबी ज़ैनब कहती है, मेरी माँ के बालों में फिज़ा के बालों की तरह चांदी आ गई थी। अल्लाह जाने 4 घंटे का सदमा। और क्या सुना तुमने? लो मोहसिन नकवी मेरा भाई शहीद, आज उसके बदले के मसाए भी पढ़ने हैं मुझे, तो 2 जुमले उसके भी सुन लो जो वो बड़े शौक से पढ़ा करता था। वो मोहसिन ही पढ़ता था, उसी का हक है, लेकिन फदाइल तुमने उसके बेटे से सुन लिए। मसाए का जुमला उसके भाई से सुन लो। अदादारो बीबी ज़ैनब कहती है, मेरी माँ दरबार में गई 4 घंटे मुसलमानों के दरबार में, रसूल की बतूल बेटी अकेली खड़ी रही। और जब ये मोहसिन नकवी के जुमले थे, और जब बतूल के पैरों पर खड़े खड़े वरम आना शुरू हुआ, बिल्कुल मोहसिन के जुमले पढ़ूंगा, मोहसिन ये जुमला कहा करता था, तो वरमाए हुए पैरों को शर्माए हुए लहजे में देखकर एक मर्तबा घर के नौकर सलमान से कहती है, चाचा सलमान हाकिम से कह दे मेरे मुकदमे का फैसला जल्दी करे, मैं इतनी देर खड़े रहने की याद ही नहीं हूं। मातम करो दादा रो। मौला तुम्हें कोई गम ना दे। अदादारो सलमान हाकिम से कह दे मैं इतनी देर खड़े रहने की आदी नहीं हूं। पता नहीं मोहसिन के बाद भी इस तरह रो सकोगे या नहीं। मोहसिन इस तरह से यह जुमला पढ़ता था, जब सलमान ने कहा, हाकिम मेरे रसूल की बेटी कहती है मेरी शहजादी के हक का फैसला जल्दी कर दे, उसे इतनी देर दरबार में खड़े रहने की आदत नहीं है। अदादारो जुमला सुनोगे जो मोहसिन कहता था। एक मर्तबा तख्त पे बैठे हुए मुसलमानों ने सलमान को खिताब करके कहा, सलमान अपनी शहजादी से कह दे कि अब ये मिंबर तेरे बाप का नहीं है। आए हाय हाय, ओ माता मेरी मां बहनों, ओ मेरी मां बहनों, ओ जदा कल्ला जदा आगे हक है रोने का। हौसला हौसला, सारी रात हो गई है तुम्हें रोते हुए, सारा दिन हो गया है तुम्हें रोते हुए। मेरे भाई मौला तेरी दुआएं कबूल करे, मौला तुम्हारा रोना कबूल करे। लो जिसके दिल में जो दुआएं हैं मांग लो, मैं जुमला कह रहा हूं जो बर्दाश्त करे। अदादारो सुनोगे? हाँ रोक लो, सांसे रोक लो, मुझे मोहसिन का जुमला कहना है। हमसे पूछते हो हमारा फिका कब से बना, हमसे पूछते हो हमारा फिका जाफरी कब से बना, हमसे पूछते हो हमारा रास्ता मुसलमानों से कब से अलहदा हुआ। अरे हमारा रास्ता तो उसी दिन मुसलमानों से अलहदा हो गया था जिस दिन मुसलमानों के दरबार से रसूल की बतूल बेटी मुंह फिराकर महरूम वापस गई थी। और मोहसिन नकवी कहा करता था कि बतूल इस महरूमी के आलम में गई है कि जब से ने मस्जिद को अबूर किया है तो बड़े बेटे हसन ने, सुनोगे हसन के मातमदारों, शहजादा हसन के मातमदारों सुनोगे, बड़े बेटे मौला हसन ने मां का दामन पकड़ के एक जुमला कहा, अम्मा हक ले आई नाना की उम्मत से। मेरे
मौला मुझे ताकत देना पढ़ने की, इन्हें ताकत देना सुनने की। ये जुमला सुन ले, जुमला पढ़ रहा हूँ अपने मोहसिन नकवी शहीद का। अम्मा हक ले आई नाना की उम्मत से, आज हसन को जहरा ने जवाब नहीं दिया, दामन छुड़ाया आगे बढ़ गई। लाडला बेटा हुसैन, जिसकी कोई बात बतूल ने कभी टाली नहीं, हुसैन ने अपने मिजाज के मुताबिक माँ का दामन पकड़ के कहा, अम्मा जब जानती थी कि हाकिम शरीफ नहीं है तो दरबार में गई थी क्यों? तो मातम करो ना, मातम करो। मेरे भाई मौला तुम्हें सलाम है, और मेरे भाई मौला तुम्हें सलाम है। ये मंजिल पर है, देखो पांच सात मिनट की जहमत, मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। जहां जी जहां चाहो ना कि तुम्हारी हर तमन्ना दुआ पूरी हो, वहां मातम करके रो लेना। अदादारो आज बतूल ने मेरी माँ बहनों हुसैन को भी कोई जवाब नहीं दिया। अब जो थोड़े दिल का मोमिन या मोमिना है वो मुझे माफ कर दे, मैं इतने सख्त मसाए पढ़ने का आदि नहीं, लेकिन एक जुमला है तारीख की हकीकत, मैं पढ़े बगैर माँ बहनों रह नहीं सकता। तुम्हारे हाथ भी खुले हैं, तुम्हारे सरों पे चादरें भी हैं माशाल्लाह, तुम्हारे वारिस भी बैठे हुए हैं। ये बाजार शाम का नहीं है, ये कोठों पर जो ख्वातीन चढ़ी हुई है ना, ये जैनब को पत्थर मारने के लिए नहीं, जैनब पे मातम करने के लिए। लो मेरी माँ बहनों जुमला सुन लेना, अब जो जो, जो मातम कर सकती है, जैसे ही हुसैन से दामन छुड़ा कर, हौसला हौसला, और मेरे भाई खुदा के लिए मुझे पढ़ने देना। हाँ हाँ अच्छा मैं चुप हो जाता हूँ, मगर मुझे तो हसन की शहादत पढ़नी है, मुझे ये जुमला तो कहने दो। मेरी माँ बहनों मौला तुम्हें, मेरे भाइयों और मेरे भाइयों मौला तुम्हें सलामत रखे, खुदा के लिए बर्दाश्त कर लेना जुमला। जैसे ही बी बतूल बीबी सहने मस्जिद अबूर करके अपने घर में दाखिल हुई, अब सुनना मेरी बेटियों, तुम जो जुमला सुनना, जो मेरी बेटियां हैं ना वो ये जुमला सुने। एक छह बरस की बेटी ने आकर माँ के गले में बाहें डाली और आकर कहती है, अम्मा तू दरबार और इतनी देर मातम करो, मातम करो ना, हाथ अच्छा है। हौसला बेटे हौसला हौसला, और यह हक है रोने का, यह हक है ना रोने का। तो मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। देख मेरे भाई जाफर मीर, मौला तुझे जिंदगी दे सेहत दे, तेरे बेटे को तेरी बेटी को, मेरी बेटी जो अमेरिका में है उसे, उसके बच्चों को, तेरे दामाद को, तेरी अहलिया को, तेरे भाइयों को, भावजों को, दोस्तों को, अहबाब को, मोमिनीन को, इन मोमिनात को मौला सलामत रखे। इतनी बड़ी मजलिस, लोग ये जुमला सुनो, जैन बहुत सुनो, एक बेटी ने माँ के गले में बाहें डालकर कहा, अम्मा अम्मा आप दरबार और इतनी देर। सुनोगे आप जुमला, अब हौसला करके सुन लेना, और जिसके जिसके बाजुओं में ताकत है और जिसके सीने में दम है वो एक मर्तबा तो जैनब के पर्दे को जरूर रोए। एक मर्तबा जिस फातिमा ने हसन को जवाब नहीं दिया, हुसैन को इनको कोई जवाब नहीं दिया था, जब जैनब ने सवाल किया, जैनब की पेशानी चूम के कहती है फातिमा, जैनब सब कुछ से दरबार का सवाल करे तू ना कर, मातम करो मातम करो। हाँ मेरा बेटा, बेटे हौसला, बेटे हौसला, बेटे खुदा के लिए, खुदा रोते रहो रोते रहो, तू सुनकर बर्दाश्त नहीं कर रहा। सैयद सज्जाद को देख, चार बरस की बहन तमाचे खाती रही, मेरा दीवान। मैंने तो बेटा बेटा हौसला संभाल लो नौजवानों, संभाल लो जिम्मे हो सकता। मौला तुम्हें सर, हाँ मेरा बेटा हाथ ना जोड़, अभी जुमले सुन लेना, जब तक हसन का जुमला ना कहूं हमें रोना है। जैनब अच्छा छोड़ दिए सारे मसाए, जैनब जैनब सब मुझसे दरबार का सवाल करें तू ना कर। अम्मा क्यों, मैं दरबार का सवाल ना क्यों ना करूं? जैनब इतना समझ ले, दरबार की इब्तदा मैं कराई। सुनोगे अगला जुमला,
زینب دربار کی ابتدا میں کرائی, دربار کی انتہا تجھے کرنا ہے. مگر میرے تیرے دربار میں فرق ہے. میں مدینے کے دربار میں گئی, تو شام کے دربار میں جائے گی. میں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی, تو 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑی رہے گی. مگر زینب جب میں دربار میں گئی, میرے سر پہ چادر تھی, میرے سر پہ چادر تھی, میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. مگر جب تو دربار میں جائے گی, تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی. ہاتھ پسے مادم, اور جن کے ہاتھ کھلے ہیں وہ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ہنسو مت دیکھو میرے نوجوانوں, سوالو دو جملے سنو. مولا حسن, مولا حسن تیرے ماتم دار آئے ہیں. مولا حسن آج 28 سفر ہے. ادادارو میرا مولا صبح سے روزے سے نہیں اٹھ رہا, کوئی نہ اٹھ رہا. تمہیں حسن کے جنازے کی قسم, سب اپنی جگہ بیٹھے روتے رہو. تمہیں امام حسن کی قسم, روتے رہو روتے رہو, ماتم کرتے رہو. 5-7 منٹ دیکھو کیا موجزہ دکھاؤں گا. بلا رہا ہوں امام زمانہ کو, وہی پرسہ لیں گے نا امام حسن کا. مولا مولا امام زمانہ, میرے آقا آئیے, میرے سرکار زمانہ تیری کنیزیں بیٹھی ہیں, تیرے غلام بیٹھے ہیں. مولا مولا میرا مولا صبح سے روزے سے, میرا مولا صبح سے روزے سے ہے. ادادارو مغرب کی اذان ہوئی, میرے مولا نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر ایک مرتبہ روزہ کھولنے کے لیے پانی طلب کیا. جودہ بنت اشعث ملونہ, جو ایک بڑے صحابی کی بھتیجی ہے, جس نے یزید سے شادی کے لالچ میں, ہمیں تاریخ پڑھ رہا ہوں, یزید سے شادی کے لالچ میں پانی میں زہر ملایا. مجھے نہیں پتا حسن نے ایک گھونٹ پانی کا پیا, دوسرا ہاتھ کلیجے پہ رکھ کے کہا بیٹھو بیٹا بیٹھو بیٹھو, اور تمہیں حسن کی قسم, اور تمہیں مولا حسن کی قسم, اور مولا حسن کے تابوت کی قسم دے رہا ہوں. خدا کے لیے ہاں ماتم کرو, وہیں کھڑے ہو کر ماتم کرو. مجھے 2 جملے بس, جہاں میں جملہ کہوں گا, تمہیں مولا حسن کی قسم, تمہیں فاطمہ زہرا کے لال کی قسم. ہاتھ جوڑ کر سید کہہ رہا ہے, میری محنت برباد نہ کرنا, میں لاہور کی تاریخ کے سب سے بڑی مجلس پڑھ رہا ہوں. جملے میں غور کر, ہاں یہ حق ہے ماتم کا. زینب جلدی آ, میرا کلیجہ کٹ گیا. جلدی آ, میرا کلیجہ کٹ گیا. زینب دوڑی دوڑی آئی, ہاتھوں میں ایک لگن تھا. جیسے ہی بھائی کے دہن سے لگایا, فاطمہ کے لال نے کلیجے کے ٹکڑے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں اگلنا شروع کیے. ہائے زینب کا مقدر, بڑے بھائی کا کلیجہ کٹتے ہوئے دیکھا, چھوٹے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے پر. ہاں 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 ہاں, حوصلہ حوصلہ, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ہاں یہ حق ہے, یہ میری بھی تو ہمت ہے نا, اور میں بھی انسان ہوں. زینب کلثوم دیکھ رہی ہے, بھائی کلیجے میں ٹکڑے اگل رہا ہے, بھائی کلیجے کے ٹکڑے لگن میں اگل رہا ہے. ام کلثوم ایک مرتبہ میری ماں بہنوں سنو, سر پیٹ کے کہتی ہے چھوٹی سے زیادہ حسن, بس گھڑی سے دیکھ لو, 3 منٹ سے زیادہ نہیں, لیکن برداشت کر لینا. حسین مسجد نبوی سے آئے, زینب نے پھٹ کے کہتے, بھیا میں اجڑ گئی, بھیا میرے وارث کو زہر دے دیا, میرے بھائی کو زہر دے دیا, ہم اہل بیت ایک مرتبہ پھر اجڑ گئے. حسین کہتے ہیں کون سا پانی پیا, کون سا پانی پیا. حسین نے پانی کا جام اٹھایا, حسن نے کوہنی کا سہارا لے کر پانی کے جام پہ ہاتھ مارا. حسن حسین بیٹا ہاتھ نہ لگانا. ادادارو پانی جو زمین پہ گرا, سنو گے, پانی جو زمین پہ گرا, علامہ ادیب اعظم ظفر حسن امروہی کہتے ہیں کہ جتنے حصے پر وہ زہر آلود پانی گرا, اتنی مٹی میں سے دھواں نکلنے لگا. اب رو, یہ ہے رونے کا, اب رو بس, اس سے بڑے مسائل نہیں ہیں. اتنی مٹی میں سے آگ لگ گئی, دھواں نکلنے لگا. اللہ جانے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہوں گے. اور میری ماں بہنوں, میں مسائل پھر پڑھوں گا, تم سے ایک جملہ پوچھتا ہوں, تو اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. تم 3 منٹ سے زیادہ نہیں, تم نے کوئی غریب سے غریب جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر
कब्रिस्तान गया हो और दफन हुए बगैर वापस आ गया हो, ये हसन गरीब का जनाजा है। जैसे ही माँ जैसे ही ज़ैनब कुलसूम ने सजा कर रोज़े रसूल की तरफ भेजा, मुसलमानों ने कमानों पे तीर चढ़ा। ठहरना बेटा, ठहरना बेटा, मातम करते रहना खुदा के लिए, तुम्हें हसन का वास्ता, जुमला मेरा, हाँ हाँ दो, हाँ मेरा बेटा जुमला मेरा मुकम्मल होने देना, और तुम्हें हुसैन का वास्ता। इधर मुसलमानों ने तीरों से हसन के जनाजे का इस्तकबाल किया, उधर मेरा भाई अभी मोहसिन कह रहा था ना, वीडियो जो आप पिछले साल की सुन रहे थे, अब्बास को चला लाया, आवाज दी बेटा अली अकबर, जरा हसन का जनाजा सवालों में अभी आया। अब्बास दौड़े दौड़े आए, घर पहुंचे, दीवार में लटकी हुई तलवार उतारी, तेजी से दौड़े। ज़ैनब ने रास्ता रोक कर कहा, अब्बास तलवार लेकर कहां जा रहा है, मैंने तो तुझे भाई का जनाजा देकर भेजा था, ये तलवार लेकर कहां जा रहा है। या गाजी के हाथ ज़ैनब के पैरों पर आए, हाथ रख के कहता है, शहजादी आज ना रुक, कल जब कहेगी रुक जाऊंगा। हम आतम करो, मातम फैरो, तुम्हें मौला की कसम, मौला अमन भाई दो जुमले सैयद मुंशरी, यह जुमला मुझे पढ़ने दे। अदादारो, इधर अब्बास दौड़े हुए तलवार लेकर जनाजे की तरफ इस तरह गए कि अब्बास की तलवार जमीन पे खत दे रही थी। उधर हुसैन ने अपने गाजी के बिखरे हुए तेवर देख कर कहा, अब्बास मेरे सर की कसम, तलवार ना उठाना, मैं मदीने में करबला नहीं चाहता। सुनोगे, गरीब भाई को गरीब माँ के पहलू में ले चलो। अब जो जनाजा नीचे देखा तो अदादारो, जनाजा तो सफेद होता है ना, बस आखिरी जुमले हैं, कफन तो सफेद होता है ना। अब जो 18 जवानाने बनी हाशिम ने देखा, मुझे नहीं पता उम्मत ने कैसा इस्तकबाल किया था, कफन सुर्ख हो गया था। हुसैन ने कहा, पहले घर ले चलो, जनाजे से तीर तो निकाले। जैसे ही हसन का जनाजा ज़ैनब के घर में वापस आया, ज़ैनब ने सर पीट कर कहा, भैया हुसैन मैंने तो भाई को सफेद कफन पहनाया। ठहरना बेटा, ठहरना, मदद करो, ठहरो, आखिरी जुमला, बस आखिरी, कुरान की कसम आखिरी जुमला, बस ये सुन लो, मुझ पे एहसान होगा, मुझ पे एहसान, बैठे रहो, बैठे रहना, खुदा के लिए मातम करना बैठकर, तुम्हें इमाम हसन की कसम सैयद होकर दे रहा हूं। याद रखोगे साल भर तक कि हाँ कोई मसाए हुए थे, कोई जनाजा आया था। अदादारो, मुझे नहीं पता, जैसे ही भाइयों ने हसन का जनाजा सहने खाना में रखा, फातिमा की दोनों बेटियां, मेरी माँ बहनों ज़ैनब और कुलसूम, जनाजे के नीचे जमीन पर बैठ गई। एक बहन ने एक तीर निकाला, कुलसूम ने दूसरा, ज़ैनब ने तीसरा, कुलसूम ने चौथा, ज़ैनब ने पांचवा, कुलसूम करो 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 किया जाओ, मातम किया जाओ। एक जुमला कुरान के, हाँ हाँ, मैं वो, मुझे वो जुमला पढ़ने दो। अदादारो, हसन के जनाजे से तीर निकल रहे थे, या कासिम की माँ उम्मे फरवा खाक पर बाल बिखराए अपने वारिस की बेकसी को देख रही थी। ढाई बरस का कासिम, ढाई बरस का कासिम उम्मे फरवा की, अब ये जुमला सुन लेना, सांस ले लो, कयामत आएगी। मैंने कहा मुझे न रोकना इस जुमले पर, भाई जाफर अमीर, ये मजलिस में कयामत बर्पा होने वाली है। मैंने सरकार जमाना को दावत दी है, मौला आए हसन का मातम करने के लिए, मौला पुरसा देने के लिए गुलाम आए हैं। ढाई बरस के कासिम को जनाबे उम्मे फरवा रोते हुए कहती है, हर कासिम, कासिम अगर आज तू जवान होता, माओ को बड़ा नाज होता है, मेरी माओ, अल्लाह तुम्हारे जवानों को सलामत रखे, अगर आज तू, हाँ भाई मातम करना, अब जिसके भी हाथ है ना वो अब्बास का वास्ता मातम करे। कासिम, अगर आज तू जवान होता तो तेरे बाप का लाशा इस बेकसी से वापस ना आता। अदादारो, छोटा सा कासिम तुतलाई हुई जबान में कहता है, अम्मा उम्मे फरवा मुझे जवान तो होने दो, अरे बाबा का लाशा तो आ गया, जब तो मानोगी मेरा तो लाशा भी नहीं आया, लाश के टुकड़े अबा के दामन में कटनी बनाकर, उसे याद याद उसे